नगर निगम हेरिटेज से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देर रात्रि से तीन नामों को लेकर चर्चा चल रही थी और अब दो नामों पर चर्चा चल रही है। महापौर के पद के लिए कुसुम यादव और ललिता जायसवाल का नाम चर्चाओं में है। दोनों नामों से कार्यवाहक मेयर बन सकता है। कुसुम यादव दूसरी बार पार्षद बनी है, पहले भी मुनेश गुर्जर के सामने महापौर का चुनाव लड़ी थी। और वहीं ललिता जायसवाल की बात करें तो पहली बार पार्षद बनी और उनके पति संजय जायसवाल संगठन में सक्रिय हैं। तो ये दो नाम जो चर्चाओं में चल रहे हैं, कुसुम यादव और ललिता जायसवाल, इनमें से कोई एक कार्यवाहक महापौर के तौर पर नियुक्त हो सकता है। मुनेश गुर्जर को निलंबित किया जा चुका है और अब नगर निगम हेरिटेज में महापौर का पद खाली है। नगर निगम हेरिटेज का कौन होगा अगला महापौर? कुसुम यादव हो सकती हैं और ललिता जायसवाल भी हो सकती हैं। कुसुम यादव जो कि दो बार पार्षद रह चुकी हैं और एक तरफ जहां पर मुनेश गुर्जर जब चुनाव लड़ी महापौर के लिए तो उन्हें टक्कर कुसुम यादव ने दी थी, वहीं ललिता जायसवाल जो पहली बार की पार्षद हैं उनके जो पति हैं वो संगठन में सक्रिय हैं, पति संजय जायसवाल संगठन में सक्रिय हैं। हमारे सहयोगी मलखान मीणा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मलखान, दो नाम जिन पर चर्चा चल रही है, कौन होगा हेरिटेज का अगला कार्यवाहक मेयर, किसका नाम सबसे आगे? देखिए बिल्कुल लगातार जिस तरह से देर रात्रि में जब मेयर हेरिटेज की मुनेश गुर्जर के खिलाफ निलंबित का जब प्रकरण हुआ उसके बाद में यानी कि राजनीतिक पूरी गर्मा गई है और अब कौन बनेगा मेयर, कौन बैठेगा मेयर की गद्दी पर, ये लगातार जो कवायद है वो लगाई जा रही है। लेकिन पहले तीन नामों पर चर्चा चल रही थी लेकिन अब सिर्फ दो ही नाम रह गए हैं, दो ही नामों पर चर्चा है और दोनों नामों को लेकर पूरी तरह से राजनीतिक गरमाई हुई है। कुसुम यादव है, ललिता जायसवाल है। देखिए सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं कि जिस तरह से कुसुम यादव है उन्हें मजबूती माना जा रहा है क्योंकि कुसुम यादव है जो लगातार पिछले मेयर के सामने भी महापौर का चुनाव लड़ी, तो ऐसे में और दूसरी बार पार्षद बनी है और आम जनता के बीच में इनकी काफी पकड़ भी है, तो ऐसे में क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ बीजेपी ये चाहती है कि किशनपुर की जो सीट है उस पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल नहीं हो रही थी, इसी वजह से ये चाहते हैं कि किशनपुर सीट से मेयर बनाया जाए जिससे वहाँ मजबूती देखी जाए। आने वाले चुनाव का समय होगा तो आम जनता को भारतीय जनता पार्टी की जो सीट वहां से नहीं निकल पा रही थी तो उसको मजबूती देने की वजह से ये काइश लगाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो ललिता जायसवाल है ये पहली बार पार्षद बनी है, हालांकि इन्होंने भी दावेदारी ठोक रखी है। इनके जो पति हैं वो राजनीतिक संगठन में सक्रिय हैं, राजनीतिक संगठनों में जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से पूरी तरह से दोनों ही नामों पर पूरे मंथन हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जो यहाँ इलाके के हैं, चाहे हवा महल के विधायक हो, चाहे गोपाल विधायक हो, और वहीं जो बीजेपी के आदर्श नगर के जो प्रत्याशी रहे रवि मेयर हो, इन तमाम लोगों की सहमति से ही मेयर का चुनाव होगा। और क्योंकि मंत्री जी ने साफ शब्दों में ये कह दिया था कि आने वाली जो मेयर बनेगी योग्यता के अनुसार देखा जाएगा, योग्यता किसके अच्छी है उसको देखा जाएगा, पार्षदों से चर्चा की जाएगी और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो वहां के जनप्रतिनिधि। शुक्रिया मलखान आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो इस समय कुसुम यादव का नाम जो है वो सबसे आगे माना जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कुसुम यादव बनती हैं कार्यवाहक महापौर या फिर ललिता जायसवाल।